Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? I hope कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी ईद बहुत मज़े की गुजरी होगी. और मैं भी आप लोगों के साथ जो है ईद के जो मैंने 3 दिन कुकिंग की थी वो जो है वो व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. आई होप कि आपको अच्छा लगेगा. और ये ईद से एक दिन पहले क्या जो है वो क्लिप है, तो इसमें मैं जो है वो मीठा बना रही थी ईद के लिए. तो पहले मैंने सोचा था कि मैं बहुत ही इंस्टेंट जो है वो मीठा बनाना चाह रही थी. तो मेरे पास गाजर खीर मिक्स था और उसके साथ में ये कस्टर्ड था, तो दोनों ही जल्दी बन जाते हैं. लेकिन फिर मैंने जो है वो कस्टर्ड चूज़ किया, क्योंकि कस्टर्ड जो है वो खीर से भी ज़्यादा जल्दी बन जाता है. और बस कस्टर्ड मैंने रेडी कर लिया है और ये है जेली का पैकेट. और इसको जो है वो जिस तरह इसके पैक पे लिखा हुआ है बिल्कुल इसी तरह से मैंने बना लिया था. और मैंने जो है अपने और क्योंकि मेरी बेबी छोटी है तो वो ज़्यादा ड्राई फ्रूट और जो डिफरेंट और कस्टमर फ्रूट्स एंड होते हैं ना, तो वो नहीं खाती हैं. तो वो बहुत सिंपल से मैंने जैसे कि बनाना और एप्पल जो कि उसे चबाया जाता है, और इवन कि मैंने पाइनएप्पल भी नहीं ऐड किया था. तो आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी फ्रूट्स ऐड कर लें और जो आपको अच्छे लगते हो वैसे. तो मैं जो है ये सिर्फ एप्पल और बनाना ही ऐड कर रही थी. और जो मैंने बड़ा बॉल बनाया था उसमें मैंने जो है वो बहुत ही सिंपल कस्टर्ड और ये एप्पल और बनाना ही ऐड किया था. लेकिन जो सिंगल सर्विंग मैंने जैसा कि मेरे हस्बैंड को जो पसंद है वो ड्राई फ्रूट्स क्रीम और उसके अलावा बाकी और भी जो चीज़ें आपकी मर्ज़ी है जली सब आप ऐड कर लें और अगर किसी को पसंद है. लेकिन मैं अपने और आयरा के लिए बहुत सिंपल से हमने ये बनाया था. और ये मैंने साइड पर बाकी सब चीज़ें जो है वो रेडी करके रख ली थी कि वो जैसे सर्व करनी होंगी तो फिर मैं उनको वैसे कर लूँगी. और वैसे मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो भी अपने चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर की है. अगर किसी ने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, आपको भी एक आइडिया मिल जाएगा कि आप इस तरह से भी कस्टर्ड जो है वो सर्व कर सकते हैं. तो उसके बाद ये है ईद के दिन का क्लिप. और फर्स्ट मैंने जो है वो बनाना था ये है मटन पुलाव. और जैसे कि इसकी यखनी निकाल लेते हैं और उसके बाद मैंने प्याज ब्राउन किया और फिर मैंने जो है वो मटन को उसमें थोड़ा सा फ्राई किया. फिर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया, टमाटर, ग्रीन चिलीज और कोरिएंडर पाउडर होता है और क्यूमिन पाउडर और योगर्ट, ये सब कुछ ऐड करके इसको अच्छे से भून के और उसके बाद जो इसकी यखनी तैयार की थी तो वो ऐड करके राइस ऐड करके तो ये बहुत जल्दी बन जाता है. मेरे ख्याल लैम और मटन बिरयानी से जो है वो ज़्यादा क्विक और इजी जो है ये पुलाव तो बहुत जल्दी बन जाता है अगर आपने इसकी यखनी वगैरह निकाल के बनाई है. तो मैं जो है वो बहुत ही जो है वो क्विक मैंने रेसिपीज़ बनाई थी. और आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की ईद कैसे गुजरी और आप लोगों ने कुकिंग के अलावा और कैसे इंजॉय किया, क्योंकि हम लोगों ने तो सिर्फ ये घर पे ही स्पेंड की थी और बस घर में कुकिंग की. और ये मैंने राइस के साथ जो है वो पुलाव के साथ ये वाला रायता बना लिया था, क्योंकि ये तो इसके साथ जो है वो लाजमी होता है, इसके बगैर जो है वो पुलाव का मज़ा नहीं आता है. तो ये मेरा जो है ज़बरदस्त सा पुलाव रेडी हो चुका है और इसको मैंने जितना झटपट बनाया था उतना ही मज़े का बना था. और आई होप आपको देखने में भी अच्छा लग रहा होगा. पुलाव के साथ जो है वो मैंने बनाया था ये प्याज गोश्त है और ये थोड़ा डिफरेंट सा था, मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था तो इसलिए मैंने इसकी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की.
क्योंकि मैं जो फर्स्ट टाइम कुछ भी ट्राई करती हूँ तो उसकी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, पता नहीं वो ठीक बनता है क्या, कैसा होता है। लेकिन ये इतना मज़ेदार था, इतना डिफरेंट सा था, और नेक्स्ट कभी शेयर ज़रूर करूँगी। और बहुत ये मज़े का था, और इसके साथ हमने नान लिए थे और नान के साथ बड़ा मज़े का था। तो प्याज गोश्त एक डिफरेंट तरीके से बनता है थोड़ा सा, तो लेकिन ये कि बहुत मज़ेदार होता है आम जो मटन या लैम की कढ़ाई होती है उससे, तो बहुत यमी ये भी रहा। तो ये था फर्स्ट डे का खाना, तो अभी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी नेक्स्ट डे जो है वो मैंने बनाया था आलू गोश्त। और ये बकरा ईद है, तो बकरा ईद में आपको पता है कि जो है वो मीट और इस तरह की ही चीज़ें बनती हैं। और यस, मैंने भी बस यही सब कुछ कुक किया है। आलू गोश्त की रेसिपी भी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। और मैं इस तरीके से बनाती हूँ, बहुत मज़ेदार ये बना था। और इसकी एक ये कि आलू गोश्त ऐसा है कि आप घर में जो है वो बच्चे भी खा लेते हैं और बड़ों को भी पसंद है, क्योंकि इसमें जो है वो जो ये इसका सूप होता है उसके साथ बच्चे भी अच्छे से रोटी खा लेते हैं। तो ये जो है हमारी सारी फैमिली की बहुत ही फेवरेट डिश है आलू गोश्त, और ये मैंने सेकंड डे बनाया था। और मैंने गोश्त को हिलाते हुए इसमें पानी ही ज़्यादा ऐड कर लिया था, और उसकी जो यखनी थी वो निकाल ली थी। और क्योंकि मैंने जो गोश्त और आलू को भूनकर पानी ऐड नहीं किया था, मैंने वही जो यखनी थी ऐड की है, तो आप भी इस तरह से ट्राई कीजिएगा। तो इसमें जो है वो पानी का जायका बिल्कुल नहीं आता इसमें यखनी का, और ये गोश्त और आलू बहुत ही मज़ेदार बनता है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से भी, आई होप कि आपको अच्छा लगे। पहले दो दिन गोश्त ही खाया था, और उसके बाद मैंने जो थर्ड डे था उसमें जो है वो कीमे की बनी हुई सब डिशेज हैं, जैसा कि ये मैंने लैम्ब कबाब बनाए थे जो सीख कबाब होते हैं। तो आपको ये जो वेजिटेबल नज़र आ रही हैं, कैप्सिकम है, टमाटोज हैं, ये अनियन है, और इसके अलावा मैंने और इसमें ग्रीन चिलीज और जो भी स्पाइसेस होते हैं वो ऐड किए थे, और इसको अच्छे से जो है वो कीमे के साथ जो है वो चॉपर में ऐड करके इसका जो है वो बहुत ही मज़ेदार सा जो है वो मिक्सचर रेडी कर लिया था। और उसके बाद फिर मैंने इसको शैलो फ्राई किया था, और उसी पैन में मैंने फिर इस तरह से ये वेजिटेबल्स कट की और उनको इस तरह से थोड़ा सा फ्राई करके, तो ये कबाब इस तरह से ऊपर रखती है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट करके जो है वो मैंने घर में सर्व किया था। बहुत मज़ेदार कबाब बने थे, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लैम कबाब में जो है वो कैप्सिकम और पार्सले इस तरह के जो वेजिटेबल्स होती हैं ज़रूर ऐड करके देखिएगा, और बड़ा डिफरेंट सा टेस्ट आता है, बहुत मज़ेदार लगता है। तो ये बहुत ही मज़ेदार बने थे लैम कबाब, बिलीव मी। और इसके साथ जो है वो मैंने बनाया था आलू कीमा, और कीमे को जिस तरह से गला लेते हैं और उसके बाद ऑयल और योगर्ट ऐड करके बाकी स्पाइसेस ऐड करके उसको भून दिया, फिर आलू ऐड किया, और इस तरह से बड़ा सिंपल सा आलू कीमा रेडी कर लिया था। और इसके साथ जो है मैंने और कीमे के चपली कबाब बनाए थे,
एक मैंने ये शैलो फ्राई करके कबाब बनाए थे और एक मैंने जो है वो डीप फ्राई करके जो चपली कबाब होते हैं तो वो बनाए थे, ये वाले। तो इस तरह जो है वो थर्ड डे मैंने तीन ही डिशेस बनाई थी कीमे से, और क्योंकि मैं हमारे घर में जो है वो ज़्यादा गोश्त से ज़्यादा कीमा फेवरेट है, तो इसलिए तो कीमे का सालन भी हो गया और कीमे के दो तरह के कबाब भी हो गए। और इसके साथ ये देखें हमारा मज़ेदार सा आलू कीमा भी रेडी है और हमारे कबाब्स भी रेडी हैं और साथ में मैंने फ्रूट चाट भी बनाई थी। तो आई होप कि आपको मेरा आज का जो है कुकिंग का व्लॉग अच्छा लगा होगा और ईद का, तो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ये बिल्कुल फ्री है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और व्लॉग में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।